नमस्ते दोस्तों, यात्रा की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसाना में घूमने लायक जगहों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी राधा जी की जन्म स्थली यानी कि बरसाना घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बरसाना में घूमने लायक बरसाना की प्रसिद्ध और खूबसूरत 15 जगहों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, जिससे आप अपनी बरसाना ट्रिप के दौरान बेहद आसानी से विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बताई जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही हर जगह की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हमने हमारे चैनल में बरसाना की एक और वीडियो डाली हुई है, जिसमें हमने बरसाना पहुँचने से लेकर रहने, खाने पीने, बरसाना घूमने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करें और बरसाना घूमने का कुल खर्च क्या होगा, ये सारी जानकारी दे दी है। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है राधा रानी मंदिर। दोस्तों, बरसाना का राधा रानी मंदिर बरसाना के मानचित्र पर एक अद्वितीय स्थान रखता है। हालांकि यहां पर अन्य कई सारे धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल भी है, लेकिन राधा रानी का मंदिर बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। यह मंदिर बरसाना के बीचों बीच एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाथ द्वारा 5000 साल पहले स्थापित किया गया था। दूसरे नंबर पे आता है वर्षभान कुंड। दोस्तों, यह श्री वर्षभानु जी का कुंड है जो राधा रानी जी के पिता है। इसे जल महल के नाम से भी जाना जाता है। वर्षभानु जी इसी कुंड में स्नान करते थे। पास में ही कीर्ति कुंड भी है, जहां राधा रानी जी और उनकी माता जी स्नान करती थी। तीसरे नंबर पे आता है राधा कुशल बिहारी मंदिर। दोस्तों, जयपुर मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर के निर्माण में लगभग 14 साल लगे थे। इसका निर्माण लगभग 100 साल पहले जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने कराया था। मंदिर का संचालन वर्तमान में राजस्थान देवोस्थान विभाग द्वारा किया जाता है। इस मंदिर के निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का उपयोग किया गया था। यह मंदिर राधा रानी मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। चौथे स्थान पे आता है राधा कृष्ण बाग। दोस्तों, बरसाना में राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के बाद कुछ ही दूरी पर राधा कृष्ण बाग मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी आज भी इस स्थान पर नियमित रूप से आती है। राधा बाग एक आश्चर्यजनक स्थान है, जिसमें एक प्राचीन रासलीला स्थल मंदिर और लताओं से ढके मनोकह जंगल शामिल है। यहाँ अनेकों शिक संतों ने श्री राधा को लाड लड़ाया है। यहाँ एक पुराना कुआं है, जिससे श्री राधा रानी मंदिर में श्री राधा की सेवा के लिए रोजाना जल जाता है। पांचवे नंबर पे आता है ललिता सखी मंदिर। दोस्तों, ललिता सखी का मंदिर बरसाना के पांच ऊंचा गांव में ललिता अटोर नामक पहाड़ी पर स्थित है। ललिता सखी राधा रानी की 8 सखियों में उनकी सबसे प्रिय सखी थी। ललिता सखी राधा रानी से 2 दिन बड़ी थी। ऊंचा गांव में भाद्रपद की चट को पड़ने वाला उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पर्यटकों को बरसाना के इस मंदिर के दर्शन अवश्य करना चाहिए। छठे नंबर पे आता है प्रिया कुंड। दोस्तों, वज्र की भूमि में हर कदम पर एक ऐसा स्थान है जो राधा और भगवान श्री कृष्ण के बीच असाधारण प्रेम को दर्शाता है, जिसमें से एक पीली पोखर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि राधा रानी अपनी शादी के दौरान मेहंदी से भरे हाथ धोने के लिए इस स्थान पर आई थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चमत्कारिक ढंग से अपने हाथों से पानी की एक धारा बहाई थी। उसी जल धारा के जल से इस जलाशय का निर्माण हुआ था। सातवें नंबर पे आता है भोजन थाली मंदिर। दोस्तों, इस क्षेत्र की
प्राकृतिक सुंदरता ही बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया था। ऐसा माना जाता है कि जब वह दूध पी रहे थे तो कटोरा उनके हाथ से फिसल गया और दूध चट्टानों से नीचे गिर गया, जिससे सीर सागर का निर्माण हुआ। उस स्थान की चट्टानों पर दूध बहने के निशान आज भी दिखाई देते हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण की भोजन की थाली और कटोरे की आकृति आज भी देखी जा सकती है, पास में ही व्योमासुर की गुफा भी स्थित है। आठवें नंबर पे आता है गह्वर वन। दोस्तों, यह स्थान राधा रानी परिक्रमा पर चिकचोली गांव में स्थित है। यहां आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी विहार करने आते हैं। यहां एक कुंड है जिसे गह्वर कुंड के नाम से जाना जाता है, जो एक बहुत ही गहरा कुंड है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदा था। तो दोस्तों, इस स्थान की यात्रा भी जरूर करें। नौवें नंबर पे आता है कीर्ति मंदिर। दोस्तों, कीर्ति मंदिर जिसकी आराधशिला जग गुरु कृपालु जी महाराज ने वर्ष 2006 में रखी थी, यह मंदिर बरसाना में स्थित है। मंदिर के निर्माण में 12 साल लगे और यह इटालियन संगमरमर से बना है। इसके आंतरिक मंदिर के गुंबद 25 स्वर्ण कलशों से सुशोभित है। लगभग 13,200 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाला यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां राधा रानी कीर्ति माँ की गोद में विराजमान है। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात 8 बजे तक। दसवें नंबर पे आता है प्रेम सरोवर। दोस्तों, यहां सुबह 9 बजे आरती होती है और शाम की आरती 7 बजे होती है। ऐसी मान्यता है कि यह सरोवर राधा रानी के आंसुओं से बना है। बरसाना में स्थित प्रेम सरोवर प्रेम का प्रतीक है, जहां पर कलयुग जोड़ी सरकार एक दूसरे के विरह में आंसू बहाए थे, उसी से इस कुंड का निर्माण हुआ था। इसके निकट सुदामा कुटी है जहां पर संत निवास करते हैं। 11वें नंबर पे आता है माताजी गौशाला। दोस्तों, बरसाना के पास शिकशोली और मानपुर गांवों में स्थित इस गौशाला की शुरुआत 7 जुलाई 2007 को रमेश बाबा जी महाराज ने केवल 5 गायों से की थी। वर्तमान में गौशाला में लगभग 55,000 गाय रहती है। यहां प्रतिदिन शाम को 55,000 गायों की आरती होती है। दोस्तों, एक बार आप सभी को इस स्थान का भ्रमण जरूर करना चाहिए। 12वें नंबर पे आता है दान बिहारी मंदिर। दोस्तों, यह बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत के शिखर पर बना हुआ बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण को उनकी बेटी की शादी के लिए राधा रानी के वजन के बराबर सोना तोल कर दान किया था। इसी कारण से इस मंदिर को दान बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान अपने भक्तों की हर मुराद पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। 13वें नंबर पे आता है फिसलनी शिला। दोस्तों, यह कलावता गांव के पास इंद्रचैन पर्वत पर स्थित है। गोचारण के समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहां पर फिसलने की क्रीड़ा करते थे। फिसलनी शिला पार्क में लगे हुए स्लाइडर की तरह दिखती है। वज्रवासी 5,000 वर्षों से इस शिला पर फिसलने का आनंद उठा रहे हैं। यदि आप भी यह आनंद उठाना चाहते हैं तो इस स्थान का भ्रमण जरूर करें। 14वें स्थान पे आता है मान मंदिर। दोस्तों, यह बरसाना के समीप चिकचोली तथा मानपुर गांव के बीच ब्रह्माचल पर्वत के मानगढ़ शिखर पर बना हुआ है। यहां के बारे में बताया जाता है कि एक बार राधा रानी की सुंदरता की तुलना भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा से कर दी थी। इससे राधा रानी नाराज हो गई थी, क्योंकि चंद्रमा में तो दाग
बाघ है और वो यह मानकर मानगढ़ पर गुफा में जाकर बैठ गई थी। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनाया था, इसलिए इस स्थान को मान मंदिर कहा जाता है। यहाँ स्थित गुफा में आज भी राधा रानी जी के पैरों के निशान है। 15वें स्थान पे आता है संकरीखोर। दोस्तों यह स्थान दो पहाड़ों के बीच स्थित है। गोपिया मथुरा वृंदावन में दूध और दही बेचने के लिए इसी मार्ग से यात्रा करती थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ उनसे दान मांगते थे, नहीं देने पर उनकी मटकी फोड़ दिया करते थे। आज भी यहाँ पर्वत से दूध और दही की खुशबू आती है। आज भी यहाँ पर हर साल भादो माह की 13 को मेला लगता है। तो दोस्तों ये थी बरसाना में घूमने लायक बरसाना की प्रसिद्ध और खूबसूरत 15 जगह जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।